मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह के वक्त राजद विधायक और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर मीडिया से उलझ गए। तेज प्रताप यादव ने राजभवन में सभी के सामने खूब मीडिया वालों को भला बुरा कहा। बिहार में सत्ता बदल गई, पावर का केंद्र बदल गया, लेकिन इन सब के बीच अगर कोई नहीं बदला तो वो हैं लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव। जी हाँ, गरम मिजाज और ऊट पटांग हरकतें तेज प्रताप यादव की पहचान बनती जा रही हैं। हालिया मामला ले तो राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। आगे के सोफे पर एक तरफ तेज प्रताप यादव और दूसरी तरफ तेजस्वी की पत्नी राजश्री यादव बैठी थी। बीच में रावड़ी देवी थी। तभी मीडिया वालों की नजर रावड़ी देवी और उनकी बहू राजश्री पर गई। पत्रकारों ने जानना चाहा कि राबड़ी देवी और राजश्री तेजस्वी के शपथ को लेकर क्या सोचती हैं। लालू परिवार के लिए भले ही ये पहला अनुभव ना रहा हो, मगर राजश्री के लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था, लिहाजा मीडिया के कैमरे राजश्री की तरफ मुड़ गए। तभी तेज प्रताप यादव इस शुभ मौके पर भी भड़क गए। एक ओर शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही थी, वहीं दूसरी ओर मंच के नजदीक हो रहा हंगामा देख राजभवन का कोई बड़ा अधिकारी भागे भागे आया। उसने मीडिया वालों से गुजारिश की और वहां से हटाया, लेकिन इन सब के बीच तेज प्रताप के तेवर देखने वाले थे। वो मुंह में कुछ बुदबुदा रहे थे, बार बार मीडिया वालों को आरएसएस का एजेंट बता रहे थे। उनका मूड काफी गर्म था। अगर समय पर वो अधिकारी नहीं आया होता तो पता नहीं क्या होता। खैर, मीडिया वाले वहां से चले गए, तब जाकर मामला शांत हुआ। शपथ के बाद मीडिया वालों ने जब तेज प्रताप से समारोह के बारे में पूछा तो उन्होंने सीधी मुंह बात भी नहीं की। बॉडी लैंग्वेज ऐसी कि जैसे पता नहीं मीडिया वालों ने उनका क्या बिगाड़ दिया। वैसे तेज प्रताप के लिए कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी वो कई बार परिवार से जुड़े लोगों को भला बुरा कह चुके हैं, तेजस्वी के नजदीकी लोगों को धमका भी चुके हैं, अपने पार्टी नेताओं की कई बार बेइज्जती भी कर चुके हैं। हर बार लालू यादव मामले को शांत करा देते हैं, मगर तेज प्रताप के बिहेवियर में अंतर आता नहीं दिख रहा है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।